अगर आप भी मेरी तरह CS रैंक में इतने खतरनाक तरीके से एनिमीज को मारना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि गाइस CS रैंक का सीजन जो है वो चेंज हो चुका है, सीजन 26 आ चुका है और गाइस सब जैसे तैसे पुश करने में लगे हैं। बट गाइस मैं आपको अपना पर्सनली टॉप 5 CS रैंक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपना फेवरेट रैंक यानी ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, वो भी एक दिन में। तो गाइस मैंने पांचों कॉम्बिनेशन से तीन तीन मैचेस खेला तो टोटल 15 मैच में से 13 बुया किए मैंने, मतलब 2 मैच आ रहा वो भी रैंडम टीममेट्स के साथ खेला सारा का सारा, फिर भी मैंने 7-8 किल के साथ सारा का सारा बुया निकाला। तो फटाफट से शुरू चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट और मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है गाइस रसर कॉम्बिनेशन, जिसमें गाइस आपको रखना है तत्सुया, केली, लूना और लास्ट पे गाइस वुल्फोरा को। तो ये कॉम्बिनेशन लेके मैं फटाफट से मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस मेरे सामने तीन तीन एनिमीज होते हैं तो यहाँ से भागना ही सही होता है। मैं भाग रहा होता हूँ कि मेरे को रास्ते में एक और एनिमी मिलता है जिसे मैं कटाना से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं इधर विंडो से आता हूँ और भाई लास्ट वाले एनिमी को बॉडी शॉट मार के इजिली मैं डबल किल निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट राउंड में गाइस सामने चार चार एनिमी होते हैं ड्रॉप के पास, मतलब ड्रॉप के चक्कर में मेरे टीममेट्स भी लूटने चल जाते हैं और एनिमीज भी सामने रहते हैं। तो गाइस मैं बस अपने टीममेट्स को कवर दे रहा होता हूँ पीछे से, बाकी गाइस मैं फाइनली एक किल निकाल लेता हूँ बड़ी शॉट मार के, हम लोग ये मैच जीत जाते हैं। फिर गाइस मैं यहाँ पे इजिली रश करता हूँ और सामने गाइस दो दो एनिमीज रहते हैं तो मैं एक पे ग्रेनेड फेंकता हूँ, उसको 164 का डैमेज आता है। मैं फिर से रश करता हूँ ट्रोगन से उसे बड़ी शॉट मार के डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस उसका एक और टीममेट होता है जिसके पास गाइस काइरस और लेवल 3 का वेस्ट भी होता है, फिर भी गाइस मैं उसे ट्रोगन से डाउन कर देता हूँ और उसको पूरा फिनिश करने के बाद गाइस मैं मेडिकेट करता हूँ। उसके बाद मैं सीधा तत्सुया से रश करता हूँ, ऊपर एक और एनिमी होता है और गाइस मैं उसे बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ, यहाँ हमारा बुया हो जाता है। इसके बाद गाइस मैं फटाफट से सेकंड मैच स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मेरे को पीछे एक एनिमी दिखता है, वो तत्सुया यूजर रहता है। यहाँ पे देखो उसका कपड़ा इजिली दिख रहा है तो मैं उसे 2 बॉडी शॉट मार के किल चुरा लेता हूँ। शायद वो पहले से डैमेज रहा होगा, मुझे नहीं पता है। सामने एक और एनिमी होता है जब मेरा किल चुरा लेता है, मतलब टीममेट मेरा किल चुरा लेता है और यहाँ पे लास्ट बंदे को मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे मेरे हाथ में ग्रेनेड होता है तो गाइस मैं उसे कुक करके फेंकता हूँ तो गाइस यहाँ पे मेरे को एक डाउन मिलता है और एक को वैसे पहले से डैमेज रहता है तो मेरा किल चोरी हो जाता है। पता नहीं गाइस यहाँ पे 2 डाउन मिलने चाहिए बट मुझे 1 डाउन मिलता है। फिर गाइस यहाँ पे एक एनिमी रहता है जो मेरे को मार देता है और यहाँ पे गाइस मेरे रैंडम टीममेट्स रहते हैं। मैं ऑलमोस्ट सारे मैच रैंडम टीममेट्स के साथ खेल रहा हूँ, मतलब सारा का सारा। तो गाइस यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट्स जाके मतलब हार जाते हैं और भाई एनिमी मैच निकाल देता है। सामने एक एनिमी होता है जिस पे मैं सीधा रश करता हूँ और P90 से उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज करके उसे डाउन कर देता हूँ बॉडी शॉट मार के। उसके बाद गाइस इससे एक और P90 लेने के बाद सामने एक और एनिमी रहता है तत्सुया, जिसको मैं गाइस हेडशॉट मार के दूर से ही फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे ट्रिप डबल किल के साथ हमारा मैच निकल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे लास्ट मैच होता है जिसके बाद मैं क्लॉक टावर के अंदर घुसता हूँ सीधा 1 टैप मार के P90 से आराम से। उसके बाद गाइस उस पे ग्रेनेड कर देता हूँ ताकि गाइस उसके आसपास कोई रिवाइव करने ना आए, जिसकी वजह से गाइस वो एनिमी रिवाइव ना हो और आराम से मुझे किल मिल जाए। उसके बाद गाइस मेरे टीममेट 2 एनिमी को और समाप्त कर देते हैं। लास्ट में एनिमी होता है जिसमें पीछे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ और मेरा टीममेट घुस के उसे आराम से फिनिश कर देता है। यहाँ पे हमारा सेकंड मैच भी पूरा हो जाता है। फटाफट से गाइस अपन थर्ड मैच स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे गाइस सामने एनिमी होता है तो मैं फटाफट से रश करता हूँ और उस पर नेट करता हूँ, बट वो गाइस बच जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से गाइस मैं इधर से घूम के आता हूँ। उसके बाद वो मेरे को पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है बट जस्ट स्टिल मेरे पास वो आता है, मैं उसे बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा 8-10 HP ही बचता है तो गाइस फटाफट से यहाँ पे मैं इसे पूरा फिनिश करके मैं मेडिकेट मारना शुरू करता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे सामने एक और एनिमी रहता है मेरा सेम जैसा कपड़ा पहना रहता है, बट गाइस मैं उसे इजीली डाउन कर देता हूँ हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के। मेरा फिर से 29-30 HP बचता है, मैं फिर से गाइस थोड़ा सा मेडिकेट करता हूँ। उसके बाद इधर साइड आ जाता हूँ, जैसे भी साइड सामने एक और बंदा रहता है जिसको मैं रेड नंबर्स मार के ओनली डाउन कर देता हूँ। फिर गाइस यहाँ पे 3 बंदे को मारने के बाद मैं सोचता हूँ इस निकाल पाऊंगा बट मैं इधर जोन में फंस जाता हूँ गाइस, तो उधर से बंदा पहले से ही नजर रखा था तो वो मुझे इजीली मार देता है। फिर गाइस यहाँ पे 2-2 राउंड हो जाता है, मैं फार्मस लेके भाग ही रहा होता हूँ कि पीछे मेरे टीममेट को कोई डैमेज देता है। मैं फटाफट से जाता हूँ और उसे बॉडी शॉट से इजीली डाउन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा बस देखो 5 HP बचा होता है। फिर गाइस मैं यहाँ पे अपने टीममेट के पास आता हूँ, राइट साइड में गाइस एक और एनिमी रहता है जिसमें मैं सीधा रश कर देता हूँ, वो वुकोंग रहता है और गाइस मैं उसे डैमेज देता हूँ, वो भी डाउन हो जाता है, मैं भी हो जाता हूँ। यहाँ पे मेरे टीममेट यहाँ आके हक देते हैं। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे राउंड 2 और 3 हो जाता है, मतलब वो लोग 3 राउंड जीत जाते हैं, हम लोग 2 ही जीतते हैं। मतलब मेरा जो ये रैंडम टीममेट्स था ना अभी जो साथ खेल रहे थे वो बहुत ही बकवास खेल रहे थे भाई, मास्टर पे पता नहीं ये लोग कैसे चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं काफ़ी सारे बंदे डाउन किया और लास्ट में यहाँ 2-3 राउंड भी पहुँचाया बट गाइस ये मैच मैंने निकाल पाया। 2 मैच हम लोगों ने बुया तो किया बट गाइस यहाँ पे देखो मेरा कम HP रहता है तो मैं यहाँ पे नेट करता हूँ बट कोई फ़ायदा होता नहीं है और मैं इधर से पीछे से फंस जाता हूँ। मैं जब तक निकलने घुसता हूँ तब तक मेरा मतलब काम तमाम हो जाता है। तो गाइस तत्सुया कॉम्बिनेशन के साथ, रसर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने 3 मैचेस खेले, 1 में 8 किल किया, 1 में 7, 1 में 7 और मैं लास्ट वाला मैच हार गया।
सेकेंड कॉम्बिनेशन गाइज और भी ज़्यादा पावरफुल है। ये गाइज 1v4 कॉम्बिनेशन होने वाला है जिसमें आपको रखना है गाइज वुकोंग, लूना, हयाटो और जोडा करेक्टर को। तो गाइज ये कॉम्बिनेशन लेके फटाफट से मैं मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे तीन बंदे तो मर जाते हैं, लास्ट वाला बंदों को गाइज मैं GAT से दूर से ही बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। सेकंड राउंड में गाइज मैं यहाँ पे नेड करता हूँ जिससे मेरे को एक किल आ जाता है। फिर गाइज फटाफट से मैं रश करता हूँ, वहाँ पे फ्लैश फ्रेज हो रहा होता है तो मेरा वुकोंग टूट हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे मैं सीधा सीधे सामने वाले बंदे पे रश करके उसे बॉडी शॉट मार के डाउन कर देता हूँ। पीछे से एक और बंदा आ जाता है, मैं उसे जब तक मारने जाता हूँ भाई मेरा किल चोरी हो जाता है। उसके बाद गए यहाँ पे किल चोरी होने के बाद मेरे को एक एनिमी टपका देता है, बट जब तक मैं टपकता हूँ मेरा टीममेट है उस एनिमी को टपका देता है। यहाँ पे गए मैं घूम के एक एनिमी को डाउन कर देता हूँ। आगे जाता हूँ एक और एनिमी दिखता है जिसमें बॉडी शॉट मार के इजीली डाउन कर देता हूँ। ये वही दोनों बंदे होते हैं जो जिसको मैंने पिछले राउंड में मारा था। फिर गए मैं फटाफट से रश करके इधर ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को हेडशॉट मारता हूँ, वो उल्फोरा यूज़ करता है जिसकी वजह से उसको उतना नहीं लगता है, बट गाइज हमने वॉल तोड़ के मैच निकाल लेते हैं और हमारे यहाँ पे भूया हो जाता है। फटाफट से गाइज मैं सेकंड मैच स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ पे हम लोग एक राउंड हार जाते हैं। अब एक राउंड हारने के बाद गाइज मैं फटाफट से चुपचाप से वुकोंग लेके ऊपर आ रहा होता हूँ कि पीछे से एक बंदा आता है जिसे मैं हेडशॉट मार के इजीली डाउन कर देता हूँ। वो भी वुकोंग होता है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो। मैं उसे पूरा फिनिश करने के बाद सीधा रश करने आ जाता हूँ इधर की साइड, और सामने एक बंदा होता है, मैं वुकोंग बनता हूँ। चुपचाप से एक बंदा नीचे से जा रहा होता है तो गाइज उसे भी मैं इजीली डाउन कर देता हूँ बॉडी शॉट मार के। फिर से मैं वुकोंग बन जाता हूँ और यहाँ पे सामने एक और बंदा होता है जिसे मैं इजीली डाउन कर देता हूँ हेडशॉट मार के। गाइज वुकोंग को यही फायदा है, तुरंत तुरंत चार्ज हो जाता है। मैं फटाफट से नीचे गिरता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ से डोर के अंदर आता हूँ, फिर जोन आता है तो मैं जोन से निकलता हूँ, बट मेरे को काफ़ी डैमेज पड़ता है। तो गाइज मैं इधर से आता हूँ, उसके बाद ऑग से यहाँ पे हेडशॉट मार के लास्ट वाले बंदे को एस निकाल लेता हूँ। फिर गाइज यहाँ पे एक और बंदा आता है जिसमें मैं नेड करता हूँ जिसकी वजह से उसको 150 का डैमेज आता है। फिर दो दो फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, पीछे से एक बंदा आ जाता है और सामने से भी एनिमी है तो मैं गाइज वुकोंग बन जाता हूँ। वो बंदा इधर निकलता है, उसे मैं बॉडी शॉट मार के डाउन करता हूँ। पीछे एक और आता है, उसे मैं बॉडी शॉट मार के इजीली डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे अपन दो राउंड जीत जाते हैं। फिर यहाँ पे आप ही लोग देखो गाइज मैं 1v4 कैसे निकालता हूँ। ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो है ना गाइज खतरनाक कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अपन तीन राउंड जीत जाते हैं। तो गाइज सामने से एक बंदा आता है जिसे मैं बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे सोचता हूँ 1v4 निकाल लूँगा, बट गाइज यहाँ पे ये मेरा वुकोंग तोड़ देता है जिसकी वजह से गाइज मैं यहाँ पे 1v4 नहीं निकाल पाता हूँ। बट गाइज स्टिल मेरा टीममेट ये मैच को जीता देता है और हम लोग यहाँ पे इजीली भूया निकाल देते हैं। दो दो एस मारने के बाद मैं फटाफट से तीसरा मैच स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे गाइज अपन दो राउंड हार जाते हैं एक जीतने के बाद। फिर गाइज मैं यहाँ से चुपचाप से वुकोंग बन के जा रहा होता हूँ, सामने एक और बंदा मेरे को देख लेता है और वुकोंग बन जाता है। बट एक बंदा मुझे नहीं देखा होता जो सीधा सीधा दौड़ के इधर से आ रहा होता है, देखो येलो टी शर्ट वाला, उसे मैं बॉडी शॉट मार के आराम से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइज मैं इधर आ जाता हूँ और वो जाता है उसको रिवाइव करने, तो मैं फटाफट से उस पर नेड कर देता हूँ ताकि वो रिवाइव हो तो वापस डाउन हो जाए। मैं फिर पीछे से चल जाता हूँ रश करने, इसी गाइज डैमेज करके ख़त्म कर देता हूँ। बट गाइज वो एनिमी पीछे से आके मेरे को डाउन कर देता है क्योंकि मेरा कम एचपी होता है। तो गाइज यहाँ पे मेरे एक नूब टीममेट होता है जो कि मर जाता है। तो गाइज यहाँ पे मेरे को गुस्सा आता है तो मैं AWM सीधा लेते आता हूँ, सिंगल AWM से एक बंदे को डाउन कर देता हूँ। सामने एक और वुकोंग होता है, उसे भी मैं एक शॉट मारता हूँ बट वो बच जाता है। फिर गाइज मैं उस पर सीधा सीधा नेट कर देता हूँ ताकि वो तो पहले से डैमेज है, तो बट गाइज वो वुकोंग बना होता है तो इधर घसक के आ जाता है। फिर उसे मैं एक शॉट मारता हूँ AWM को, वो मर जाता है। फिर हम लोग ये राउंड भी निकाल लेते हैं, हमारा राउंड 2-3 हो जाता है। उसके बाद गाइज सामने एक बंदा डैमेज होता है जिसपे मैं यहाँ से नेट कर देता हूँ चुपके, वहाँ स्मोक डेड भी पड़ा हुआ है तो एक बंदा डाउन हो जाता है। फिर गाइज मैं फटाफट से पीछे साइड से जाता हूँ, यहाँ पे दो दो बंदे होते हैं जो एक दूसरे को कवर देके बार बार रिवाइव दे रहे होते हैं और भाई ग्लूवा लगा के बच रहे होते हैं। तो गाइज मैं इन लोगों को फटाफट से बार बार मतलब इन लोगों को ग्लूवा तोड़ देता हूँ और बार बार इन लोगों को मार दे रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक को डाउन किया फिर वो रिवाइव कर रहा था, बट गाइज हर बार ऐसा नहीं होता है तो मैं इजीली डबल किल के साथ यहाँ पे 3-3 मैच कर लेता हूँ और लास्ट राउंड में हक देता हूँ यहाँ पे भाई। और स्टिल जिसको मैं नूब बोल रहा था गाइज वो क्या करता है अभी देखना। लास्ट एक बंदा बचता है जिससे वो वन टैप मार के जिताता है और गाइज फाइनली हमारा मैच भूया हो जाता है। तो 1v4 कॉम्बिनेशन बोले तो गाइज वुकोंग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने तीन मैच खेला, एक में 11 किल किया, एक में 8 किलो और लास्ट वाले में 6। थर्ड कॉम्बिनेशन यूज करके गाइज आप अपने टीममेट्स को बहुत ही खुश रख सकते हो और खुद खुश रह सकते हो क्योंकि इसका नाम है हेल्पिंग कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको कैसी, सानी, कपेला और थीवा रखना है। एक कॉम्बिनेशन लेके फटाफट से मैच को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं मार देता हूँ, वो सोनिया बन के डाउन हो जाता है। यहाँ पे मेरे को एचपी मिल रहा है, मेरे टीममेट को भी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कैसी से कनेक्टेड है। यहाँ पे गाइज कपेला के हेल्प से आप अपने टीममेट को कोई भी गन से हील कर सकते हो, जैसे कि मैं G18 से यहाँ पे हील कर पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। फिर गाइज हम लोग एक राउंड निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सामने वही बनता रहता है जिसे मैं फर्स्ट राउंड में डाउन किया होता हूँ, बट गाइज यहाँ पे मेरा किल चोरी हो जाता है। एंड लास्ट में गाइज मेरा टीममेट बहुत डैमेज रहता है। तो देखो गाइज मैं किंग फिशर से कैसे उसे एचपी दे पा रहा हूँ, AWM से भी 42 का उसे एचपी हील दिया। यहाँ पे गाइज अपने टीममेट को एक सेकंड में आप 200 एचपी दे सकते हो। यहाँ पे गाइज अपने टीममेट को मैंने थीवा देके रिवाइव किया, उसको तुरंत कैसी दिया उसको तुरंत देख सकते हो, 200 एचपी भर चुका है दो नंबर का। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो। यहाँ पे गाइज लास्ट बंदा है,
तो मैं इसे इजीली मार देता हूँ, वो डाउन हो जाता है और मैं भी डाउन हो जाता हूँ गाइज़। इस बंदे के चक्कर में मैं भी चला जाता हूँ और उसके बाद गाइज़ यहाँ पे 1v1 का सिचुएशन बचता है, मेरा टीममेट इजीली निकाल देता है जिसकी वजह से गाइज़ हम लोग एक मैच जीत जाते हैं। मैं फटाफट से सेकंड मैच को स्टार्ट कर देता हूँ गाइज़। यहाँ पे हम लोग जीप लाइन से पहुँच जाते हैं, उसके बाद गाइज़ सामने एक बंदा रहता है। यहाँ पे हम लोग कैसे से कनेक्टेड है आप लोग देख सकते हो। इस बंदे को डाउन करने के बाद गाइज़ मैं सामने चला जाता हूँ, सामने वाले भी कैसे यूज़ कर रहे होते हैं बट गाइज़ उससे मैं इजीली मार देता हूँ। हम लोग एक राउंड निकाल लेते हैं। सामने एक बंदा होता है जिसको मैं नेट करता हूँ बट मेरा नेट जो है वेस्ट चला जाता है। सामने एक एनिमी होता है जिसको मैं इजीली बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और ऊपर जाता हूँ। एक और बंदा वुकोंग बन के बैठा होता है जिसे मैं बॉडी शॉट मार के इजीली खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे गाइज़ सामने वाले बंदे को भी डैमेज देता हूँ जो काफ़ी दूर में था। फिर सेकेंड में उसे डैमेज देता हूँ बट वो मुझे डाउन कर देता है, स्टिल मेरा टीममेट जिता देता है। फिर टायर से जंप करके हम लोग फटाफट से ऊपर आ जाते हैं। पीछे से कोई M187 से मुझे डैमेज देते हैं, मैं गाइस फटाफट से वॉल लगाता हूँ और यहाँ कैसी कैंप से हम लोग दोनों गैस भी मिल रहा होता है। मैं फटाफट से जंप करके उस पर बॉडी शॉट मार के उसको फिनिश कर देता हूँ। फिर गाइस एक और एनिमी रहता है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, तो फिर बिना लेट किए मैं फटाफट से उस पर रश कर देता हूँ ताकि उसे तुरंत फिनिश कर सकूँ। फिर उससे गाइस यहाँ पर आके बॉडी शॉट मार के आराम से डाउन कर देता हूँ। मैं अपने टीममेट को फटाफट से रिवाइव करता हूँ युवा की हेल्प से तुरंत से। सामने लास्ट एनिमी होता है जिसमें मैं नेट करता हूँ, वो गाइस पीछे चला जाता है बट उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जोन पीछे से आ रहा होता है। और यहाँ पर ट्रिपल की के साथ हम लोग बूया निकाल लेते हैं और कैसी कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग फटाफट से दो बूया निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद गाइस मैं तुरंत तीसरा मैच स्टार्ट कर देता हूँ। सामने एक बंदा होता है जिसे मैं कटाना से डाउन कर देता हूँ और खुद भी डाउन हो जाता हूँ भाई, होता है कभी कभी ऐसा। फिर गाइस यहाँ पर 0-3 का सिचुएशन हो जाता है, मैं फटाफट से सामने वाले बंदे को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ M14 से। सामने एक और बंदा होता है जिसे मैं बॉडी शॉट मार के डाउन करता हूँ। फिर गाइस एक और बंदा निकलता है जिसको मैं XM8 से डाउन करता हूँ और यहाँ पर हम लोग 3-3 करने के बाद सामने वाले बंदे को हेडशॉट मारते हैं AWM से। वो ओरियन बनता है बट मेरे से बच नहीं पाता है। फिर गाइस लास्ट बंदा यहाँ पे होता है जिसकी वजह से मैं उसे AWM से डाउन कर देता हूँ। सिचुएशन बन जाता है यहाँ पे गाइस 2v2 जिसको हम लोग इजीली हैंडल करके निकाल लेते हैं और हम लोग 3 मैच खेलते हैं और 3 over 3 जीत जाते हैं हेल्पिंग कॉम्बिनेशन में, बोले तो कैसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे गाइस हम लोग को 1 में 7 किल किए, 1 में 3 किल और 1 में 2 किल। फोर्थ कॉम्बिनेशन गाइज हमारा मिस्टीरियस कॉम्बिनेशन है, इसमें हमें रखना है गाइज स्काइलर, काइरोस, जोटा और मोकू कैरेक्टर्स को। ये कॉम्बिनेशन लेके गाइज मैं फटाफट से मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा मैच स्टार्ट होता है कालाहारी मैप में। मैं फटाफट से इधर से आता हूँ, WSP लेके सामने एक बंदा दिखता है जिसे मैं हेडशॉट मार के इजीली डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइज इसको पूरा फिनिश करने के बाद मैं सीधा रश करते हुए जाता हूँ जिसमें मोकू का मार्क होता है, मैं इसे कटाना से डाउन कर देता हूँ। ये भाई सोनिया बनता है भाई, सोनिया वाले कभी सुधर नहीं सकते। फिर गाइज मैं सीधा घर में रश कर देता हूँ और यहाँ पे गाइज पूरा इधर अफरा तफरी मच जाता है गाइज बट यहाँ पे मैं डाउन हो जाता हूँ, मेरा टीममेट आके हमें जिता देता है। फिर गाइज यहाँ पे ये बंदा मैं इमोट दिखाने लगता है तो मैं क्या बदला लेता हूँ आप लोग यहाँ पे देखना है। इसे मैं बॉडी शॉट से डाउन कर देता हूँ बट इसका टीममेट मुझे डाउन कर देता है। फिर मेरा टीममेट आके गाइज मुझे रिवाइव कर देता है। फिर मेरे पे जो नेट आ रहा होता है उधर से उसके लिए मैं वॉल डाल लेता हूँ और यहाँ पे देखना मस्त सीन हो जाता है गाइज। एक वुकोंग यहाँ पे आता है मेरे को मारने, मैं तब तक नेट फेंक देता हूँ, मैं तो डाउन हो जाता हूँ। ये वही वुकोंग गाइज ये फिर से सोनिया बन के वापस से डाउन हो जाता है मेरा नेट फेंकने के चक्कर में। फिर लास्ट बंदे को मेरा टीममेट मार के हम लोग मैच निकाल लेते हैं। फिर से वही एनिमी दिखता है जो मुझे लोन दिखाया था, मैं उसे ईजिली डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद गाइज इसको डाउन करने के बाद मैं यहाँ पे मर जाता हूँ बट गाइज मेरा टीममेट मैच जिता देता है। कभी कभी रैंडम टीममेट्स बहुत ही बवाल होते हैं यार। यहाँ पे गाइज मैं इसे हेडशॉट मारता हूँ, उसके बाद इसे भी हेडशॉट मारता हूँ। AWM क्या ही चला रहा होता हूँ गाइज लास्ट राउंड में। फिर मैं स्कैलर छोड़ता हूँ। फिर गाइज मैं यहाँ पे बहुत डेंजर फाइट हो रहा होता है, मैं फिर से वॉल डाल के यहाँ पे फिर से स्कैलर छोड़ता हूँ। ये दोनों पे मोको का साइन आता है, ये मुझे मार देता है बट गाइज स्टिल मेरा टीममेट सेम टीममेट वापस से हमें मैच जिता देता है। मतलब गाइज कभी कभी रैंडम टीममेट्स ना हीरो के जैसा होते हैं, सारा मैच निकाल देते हैं। एक मैच जीतने के बाद गाइज मैं फटाफट से दूसरा मैच स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा बरमूडा में मैच लगता है, सामने पिक में मैं इसे हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। पीछे से गाइज एक बंदा आता है छोटू शॉटगन लेकर जिसे मैं बॉडी शॉट मारता हूँ WSP से। फिर गाइज कटाना से एक बार कटाना ढूंढता हूँ जिसकी वजह से वो मर जाता है इजिली। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे एक बंदा होता है जो पता नहीं क्यों दौड़ रहा होता है, उससे मैं बॉडी शॉट मार के इजिली एलिमिनेट कर देता हूँ। सामने एक ओरियन होता है गाइज, उसे मैं एक शॉट मारने का ट्राई करता हूँ बट मिस होता है, बट फिर से मारता हूँ तब कनेक्ट हो जाता है और वो डाउन हो जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे लास्ट बंदा बचता है, उसे मैं इजिली ऑक से फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे गाइज मैं फिर से हेडशॉट मारता हूँ खतरनाक वाला और हम लोग 3 राउंड यहाँ पे इजिली जीत चुके होते हैं। तो मैं गाइज एग्रेसिव रश कर देता हूँ यहाँ पागलों की तरह, मैं नेट करता हूँ बट गाइज कोई फायदा नहीं होता है, मेरे को वो डाउन कर देता है। बट स्टिल गाइज यहाँ पे टीममेट्स हमारे जिता देते हैं और हमें दूसरा बूझा यहाँ पे इजीली मिल जाता है। फिर फटाफट से गाइज मैं तीसरा मैच स्टार्ट कर देता हूँ। सामने एक बंदा आता है जिसे मैं इजीली डाउन कर देता हूँ, GA10 से मेरा 70 SP बढ़ता है। सामने से एक और बंदा कूदता है गाइज, उससे भी मैं इजीली डाउन कर देता हूँ यहाँ पे।
उसके बाद गाइस दो बंदे डाउन करने के बाद सामने एक बंदा होता है जो मेरे टीममेट को मार देता है, तो मैं गाइस एग्रेसिवली रश करके उसे ट्रिपल किल के साथ मैच निकाल देता हूँ। यहाँ पे गाइस एक बंदा होता है P90 से, मैं उसे यहाँ पे थोड़ा इधर उधर करके इजिली मार देता हूँ। वो गाइस सोनिया बन जाता है। अभी भी सोनिया यूजर्स इतने है ना दिमाग खराब कर देते हैं। मैं सीधा रश करके ऊपर आ जाता हूँ। पीछे से एक बंदा मेरे को डैमेज दे रहा होता है, भाई SKSL आ रहा था लगता है। फिर गाइस यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ और इसे इजीली P90 से डाउन कर देता हूँ। जब तक पीछे मुड़ता हूँ वो बंदा आ चुका था SKS वाला। फिर गाइस उसे भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। फिर लास्ट यहाँ पे बंदा होता है, मेरा एस निकालना होता है यहाँ पे, तो मैं सीधा रश करता हूँ। उसके बाद गाइस मैं इसे हेडशॉट मार के यहाँ पे हमारा एस निकल जाता है। उसके बाद गाइस 3 राउंड जीतने के बाद मैं फटाफट से इधर रश कर देता हूँ। यहाँ पे इस बंदे को ओनली रेड नंबर्स मारता हूँ, मज़ा आ जाता है गाइस। इसी को तो मार के हम लोगों ने एस निकाला था। फिर गाइस यहाँ पे मेरे सारे टीममेट्स मर जाते हैं, तो पीछे से एक बंदा आता है और मेरे को यहाँ पे देखना है चीटिंग से कैसे डबल वेक्टर से मार देता है। फिर गाइस लास्ट राउंड में मैं मतलब मेरा काम तमाम हो जाता है, बट स्टिल मेरे टीममेट्स अच्छे होते हैं, रैंडम टीममेट्स, तो ईजिली ये लोग मार के हमें मैच जिता देते हैं। तो गाइस स्कैलर कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने 3 मैच खेला, जिसमें से गाइस हम लोग 3 में से 3 जीत गए। 1 में 7 किल, 1 में 4 किल और 1 में 8 किल। फिफ्थ एंड लास्ट कॉम्बिनेशन है गाइस हमारा नेड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, यानी कि गाइस इसमें आपको ग्रेनेड करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो इसमें हमें रखना है गाइस ओरियन, मिगवल, अलवारो और मोको कैरेक्टर। तो ये कॉम्बिनेशन लेके गाइज मैं नेट लेके फेंक देता हूँ। तो गाइज इससे ज़्यादा डैमेज तो नहीं आता है एनिमी को, बट मोको का मार्क जरूर आता है, जिसकी वजह से गाइज मैं उस पर रश करके G18 से डाउन कर देता हूँ। हालांकि मेरा HP बहुत कम होता है, बट स्टिल गाइज मैं HP भर के मैं इधर से आ जाता हूँ और मैं लास्ट बंदे को हेडशॉट मार के ट्रिपल किल निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट राउंड में गाइज मैं फटाफट से इधर से रश करके इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे छत पे बंदा होता है जिसे मैं डाउन कर देता हूँ बॉडी शॉट मार के। फटाफट से मैं उस पर चला जाता हूँ रश करने, मेरे पे नेट रहता है, मैं नेट फेंकता हूँ, बट उससे पहले मेरा टीममेट मेरा एनिमी को डाउन कर देता है। उसके बाद गाइस मैं स्टिल इसको फिनिश कर देता हूँ। सामने एक एनिमी होता है जिसे मैं बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और किल चुरा लेता हूँ। 2 राउंड आराम से जीत जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं नेट करता हूँ ओरियन बन के, जिसकी वजह से मेरे को 2 डाउन मिलता है इजिली। इस तरीके से अगर आप लोग नेट करते हो ना तो बहुत हेल्प मिलेगा। मैं फटाफट से 3 राउंड जीतने के बाद रश करके इधर आ जाता हूँ और मैं फिर से ग्रेनेड करता हूँ, जिसके साथ मेरे को 2 किल वापस से मिल जाते हैं। मतलब गाइस मैं हर बार नेट कर रहा था और 1 या 2 किल मेरा फिक्स था। और मैं कैसे कर रहा हूँ वो तो आप लोग देख ही रहे हो, मैं कौन सा कैरेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ वो भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे 3 राउंड जीतने के बाद लास्ट बंदा बचता है, जिसे मैं दौड़ते दौड़ते मैं फिर इधर आ जाता हूँ ड्रॉप साइड। जब तक मैं इधर आता हूँ तब तक मेरे टीममेट्स मुझे बुया दिला देते हैं। फिर बुया करने के बाद गाइस मैं फटाफट से दूसरा मैच को स्टार्ट कर देता हूँ और देखता हूँ कैसे जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं ग्रेनेड ले लेता हूँ और बढ़िया से कुक करता हूँ, क्योंकि भाई सामने ना एनिमी ना कभी इधर आ रहे थे कभी उधर। तो गाइस मैं आराम से कुक करके फेंकता हूँ, जिससे ना मेरे को 1 डाउन आता है और 1 को काफ़ी डैमेज आता है, जिसका किल चोरी हो जाता है, मेरा टीममेट मेरा किल चोरी कर लेता है। उसके बाद गाइस ये एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं उधर चला जाता हूँ सामने गेट के साइड। सामने एक और एनिमी आ रहा होता है, जिसको मैं ग्रेनेड कुक करता हूँ और ओरियन बन के इस पर फेंक देता हूँ। इसको ज़्यादा डैमेज तो नहीं आता है, बट स्टिल गाइस मैं इसे USP से डाउन कर देता हूँ आराम से यहाँ पे। उसके बाद गाइस इस बंदे को डाउन करने के बाद मेरा टीममेट फंस जाता है उधर साइड, जिसकी वजह से मैं उसके पास इजीली चला जाता हूँ इधर से। उसके बाद गाइस मैं इधर से जाकर पीछे से एनिमी को ट्रिपल किल के साथ मैं मैच निकाल देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं फिर से नेट करता हूँ कि यहाँ पे फिर से मेरे को किल आएगा, बट एनिमीज चलाक होते हैं, थोड़ा आगे आ जाते हैं। मैं इसे गाइस 159 को मारता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मोको का साइन आता है, मैं फिर से इसे एक शॉट मार के इसे डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस ये एनिमी को डाउन करने के बाद पूरी तरीके से मैं इसे पहले फिनिश कर लेता हूँ, ताकि मेरा किल मुझे मिल जाए। सामने से एक और एनिमी है जो मेरे पे राइड हैंड छोड़ देता है, बट गाइस स्टिल मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं ओरियन बन जाता हूँ, बट गाइस राइड हैंड मेरे को मतलब रोक के रखता है, जिसकी वजह से मैं रश करता हूँ, बट मेरा यहाँ पे टीममेट भी हार देता है और यहाँ पे हम लोग मैच हार जाते हैं। फिर गाइस यहाँ पे राउंड 1-3 हो चुका है, मैं सामने एक एनिमी देखता है जिसे मैं इजिली डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ओरियन बन जाता हूँ, क्योंकि भाई सेफ्टी पहले जरूरी है, इसलिए मैं फटाफट ओरियन बन जाता हूँ। यहाँ पे एक और बंदा देखता है जिसे मैं रेड नंबर मार के पूरी तरीके से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मेरे हाथ में होता है यहाँ पे ग्रेनेड, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ग्रेनेड कुक करता हूँ। उसके बाद गाइस मैं सीधा फेंक देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को एक और डाउन हो जाता है इजिली। उसके बाद गाइस मेरा टीममेट पीछे से आता है और वो रश करता है, बट गाइस वो जाके वहाँ पे वापस से आग देता है, क्योंकि भाई रैंडम टीममेट्स कभी कभी इतने ख़राब होते हैं ना मत पूछो, और कभी कभी इतने अच्छे होंगे वो भी मत पूछो, मतलब रैंडम टीममेट्स भाई रैंडम जैसे ही करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सिचुएशन बनता है 1v2, मैं यहाँ पे मेडिकेट भर रहा होता हूँ, पीछे से एक बंदा आता है जिसे मैं बॉडी शॉट मार के यहाँ पे इजिली डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे लास्ट मेरा मुकाबला होता है गोपांग से, बट गाइस मैं यहाँ पे जीत नहीं पाता, मैं ये मैच हार जाता हूँ। बट से मैं गाइस 3रा मैच स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हमारे टीममेट फर्स्ट राउंड जिता देते हैं। 2nd मैच में गाइस यहाँ पे मैं एक पे ग्रेनेड करता हूँ, जिससे गाइस ज़्यादा डैमेज नहीं आता है। तो गाइस यहाँ पे एक गोली मार के मैं इसे इजिली डाउन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस सामने एक और बंदा होता है, मैं इसके पास से किंगफिशर उठा लेता हूँ और यहाँ पे ओरियन बन जाता हूँ। ओरियन बनने के बाद गाइस मैं कवर ले लेता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे पे रश करने का ट्राई करता है, बट गाइस मैं यहाँ पे स्टिल खड़ा रख के मैं उसे इजिली
आराम से डाउन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 40% एचपी बच भी जाता है और जब तक मैं इसे डाउन करता हूँ हमारे टीम मेट्स हमारा ये मैच जिता देते हैं। नेक्स्ट राउंड पे यहाँ पे मेरे हाथ में ग्रेनेड रहता है जिसको मैं फेंकता हूँ, यहाँ पे मेरे को ईट डाउन आराम से मिल जाता है। उसके बाद गाइस मैं फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ जिसकी वजह से उन लोगों को डैमेज आता है। यहाँ पे मेरे को ये लोग मार देते हैं बट स्टिल मेरा टीम मेट डैमेज जिता देता है। यहाँ पे वापस से गाइस मैं इन लोग पे ग्रेनेड करता हूँ जिसकी वजह से गाइस 3 राउंड जीतने के बाद मैं फिर से यहाँ पे एक बंदे को ले लेता हूँ। उसके बाद गाइस मैं इन लोग के क्लोज जाता हूँ तब इन लोग का एक टीम मेट आता है एनिमी गाइस, यहाँ पे मैं इसे डैमेज देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्लूअर डाला, मैं इसे डैमेज देता हूँ, इसको नहीं आता है बट गाइस ये मेरे को मैक्स 7 से मारता है, मैं मर जाता हूँ बट गाइस स्टिल मेरा टीममेट ये मैच जिता देता है। तो गाइस कोरियन के साथ ग्रैंड कॉम्बिनेशन लेके हम लोग फटाफट से 3 मैच खेलते हैं जिसमें से 2 जीतते हैं, 7 किल 1 में करते हैं, 1 में 8 किल और 1 में 4।